दोस्तों, UDCR में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे आपके अल हज़री 11 और आपके साइलियनो सीसी मतलब साइलियनो एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के बीच में खेले जाने वाला जो आपका नेक्स्ट KCC T10 इलाज चैंपियनशिप का मैच है, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ अपडेट्स जो आपको जानना ज़रूरी है उसके बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, देखिए ये वाला सब्सक्राइब का बटन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों। क्यों तो आप बोलेंगे, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, है ना? सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये कि देखिए हर एक मैच की वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी और फाइनल टीम हम यहीं पर शेयर करते हैं दोस्तों। जो लास्ट का मैच था दोस्तों, ये देखिए कल रात का जो ECS का मैच था, उसमें हमारे टीम की परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, हमने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 5 कॉन्टेस्ट, और कितने विन किए, 5। एक तरफा हमने क्लीन स्वीप किया था दोस्तों, ये हमारी टीम थी। ये देखिए हमारी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टीम के 11 में से 9 प्लेयर्स, ड्रीम टीम में से सिर्फ 2 प्लेयर्स को हम हटा देना, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों, 24 और 12 पॉइंट इन्होंने भी दिए, इन दोनों को हम हटा देना, सभी हमारे टॉप स्कोरर्स में से थे दोस्तों। पर ये हमारी सिर्फ ये नहीं दोस्तों, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, ये सिंगल टीम, देखिए आपके सामने दोस्तों। तो आप बोलेंगे ये टीम क्या आपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था दोस्तों, ये देखिए ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। मैच शुरू होने के 3 मिनट पहले ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। जो भी हमने तो एक तरफा विन किया, जो भी लोग हमसे जुड़े उन्होंने भी एक तरफा विन किया होगा आराम से, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन कौन से दोस्तों, BD Lee दोस्तों। सब लोगों ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया हुआ था, हमने इनको टीम में ही नहीं रखा था दोस्तों, इमामुल हक को नहीं रखा था, हमने टॉप के सारे बॉलर्स को और हाथ से नेदरलैंड के बेस्ट प्लेयर को हमने अपना कैप्टन बनाया था, जिनको किसी ने नहीं बनाया दोस्तों। हमने एक तरफा विन किया दोस्तों, एक भी प्लेयर फ्लॉप नहीं था। डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने आसानी से हम जीते थे मैच। ये देखिए हैरिस रूफ हमारे वाइस कैप्टन थे इस मैच में, अगर हमारे वाइस कैप्टन, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम थी दोस्तों, ये भी याद रहे, इनको ना बना के इनको अपना वाइस कैप्टन बनाते ना हैरिस रूफ को, हम ग्रैंड लीग आसानी से जीत जाते दोस्तों। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है ना, तो वो भी आपको बता दें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो लिंक है, यही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों। इस लिंक पर आपको टैप करने से ये लिंक आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज जो कि है इस पे लेके आएगा, और नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल को दोस्तों, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर हमारे बाकी यूज़र्स की तरह आपको भी एक तरफा जीतना है, आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अभी मैच के बारे में आपको, अगर हम अभी इस मैच के बारे में बात करें ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, चलना है मैच पर, उसके बाद क्रिएट टीम पर जाना, और पहले हम एक काम करते हैं दोस्तों, पहले अल हज़री के ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अभी अल हज़री टीम के प्लेयर के थोड़ा स्टैट्स और डाटा देख लेते हैं।
जैसे एल हेजरी के टीम से, एक सेकंड दोस्तों, हाँ एल हेजरी के टीम से एम गफूर आपको खेलते हुए दिखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से, बहुत ही अच्छा फॉर्म है दोस्तों। एल हेजरी के टीम से एस शशिखा खेलेंगे, पर ये मेरे टीम में आएंगे नहीं। ऐसे अगर बैटिंग सेक्शन की बात करें, बैटिंग में यहाँ से खेलते हुए दिखेंगे एल हेजरी के टीम से ए उल हक, मुंडे खेलेंगे कुछ खास फॉर्म में नहीं, तनिक वाला का लास्ट में ठीक ठाक था उससे पहले फ्लॉप, फारुकुद्दीन का कुछ नहीं है, पार्कर का कुछ भी फॉर्म खास है नहीं, तो बाकी ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं। बॉलिंग की ऐसे ऑलराउंडर्स की बात कर ले तो ऑलराउंडर में यहाँ से ए नवाफेर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ए दिलशांत तो अच्छा इस टीम के शायद ये खेलेंगे भी नहीं दोस्तों, तो एक प्लेयर आ जाता है दोस्तों ए नवाफेर जो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको खेलते हुए दिखेगा। बॉलिंग की बात करें यहाँ से एज जंदू आपको खेलते दिखेंगे, इनको टीम में रखा जाएगा। एम शाह खेलेंगे, इनको रखा जाएगा। एम फकर की बात, इनको टीम में नहीं रखेंगे हम। यहाँ से एम एस इकबाल ये मेरे टीम में आएंगे दोस्तों, तो एम एस इकबाल, झंडू और एम शाह, तो ये चार प्लेयर्स इस टीम से इंपॉर्टेंट है। आप इन चारों प्लेयर्स का प्रीव्यू देख लीजिए दोस्तों, ये चार प्लेयर्स को अभी के लिए हमने टीम में रखा है। तो अगर हम अभी दूसरी टीम की बात करें दोस्तों, जो कि है आपकी सीईसीसी की टीम, यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले आपको एम गफूर खेलेंगे, डायरेक्टली आपको इनको टीम में रख लेना है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। बैटिंग सेक्शन में यहाँ से अपने टीम में कौन आएंगे, एम ईशान का फॉर्म देखिए कुछ खास है नहीं, यहाँ से मंगेला का इस मैच में मुझे कुछ खास करते दिखेंगे नहीं दोस्तों मुझे लग रहा है। यहाँ से रेगुलर परफॉर्म जो कर रहे हैं दोस्तों आई रिफाकजुल दोस्त, ये रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, पर एक ही पर्सन सिलेक्शन जनता ने लिया, यहाँ से सिम्पसन वन, ये दो ही बैट्समैन आ जाएंगे, एक तो मेरा ट्रम कार्ड, यहाँ से एक नहीं दोस्तों, यहाँ से एक दो तीन ट्रम कार्ड है अपने टीम में दोस्तों। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें, ऑलराउंडर में मेरे टीम में एच चिंताकल आएंगे, यहाँ से हरिचंद्रन की बात से कुछ खास फॉर्म है नहीं यहाँ से, बाकी मुझे कोई भी कुछ खास ऑप्शन लग नहीं रहा है दोस्तों। बाकी बॉलिंग की बात करें, एन कुमारा ठीक ठाक कर रहे हैं, ऐसे एल दिलशान जिनका सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, इनको लेंगे हम, एल दिलशान एक पर्सन सिलेक्शन है, एन कुमारा यहाँ से हरिचंद्रा, तो ये बन गई हमारी टीम। इस टीम का आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिए दोस्त, इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बाकी सी और वी सी की अगर बात करें वो भी हम दिखा देते हैं आपको दोस्तों, ए नवाफेर का दोस्तों रिसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, ए नवाफेर और एच झंडू, तो अपने कैप्टन होंगे ए नवाफेर, वाइस कैप्टन होंगे ए झंडू, तो ये बन जाएगी मेरी टीम दोस्तों। आप देख लीजिए प्रीव्यू, इसमें अगर चेंज होता है मैं आपको अपडेट कर दूँगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं है क्या, लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।